वहां पे उससे कहा, मारा कूटा और कहा कि दरगाह की तरफ जा, दरगाह में मांग। जबकि दरगाह क्षेत्र में और दरगाह में जो भिखारी हैं वो 50% के करीब नॉन मुस्लिम से ज्यादातर हिंदूज हैं, कभी हम उनका धर्म नहीं पूछते हैं। इसलिए आइंदा 50,000 मुसलमान थाने पे जाए, फिर देखिए कैसे केस लगता है। यहाँ पर तो मॉब मेंटालिटी भारी होने लग गई है पुलिस और प्रशासन पर, ये एक माइंड सेट हो गया है। तो भाई मुसलमानों को देखिए, द लावा इज सिमरिंग अप, वन डे द वोल्केनो इज गोइंग टू इरप्ट, द वोल्केनिक इरप्शन विल गोइंग टू टेक प्लेस। ये जो ज्वालामुखी एक दिन फटेगा और ये फटके रहेगा। और देखिए ये देशभक्ति की बात है, गोरी मारो सालों को, देश के गद्दारों को। अबे तुम तो आरएसएस के तलवे चाट रहे थे, सबसे ज्यादा देश के लिए मुसलमानों ने और सिखों ने खून बहाया है। न्यूज में मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में लगातार माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और देश के हालात की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, हर किसी का एक सवाल था कि आखिरकार अजमेर में इतनी बड़ी घटना हुई, अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की गई है। तो आज पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब मौजूद हैं। मैं हजरत आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अजमेर से मुस्लिम भिखारी वाले को पीटा गया, उस पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है और दरगाह की तरफ से क्या एक्शन लिया गया था उन लोगों के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कांग्रेस के जो कुछ मुस्लिम लीडर्स थे अजमेर के, उन्होंने जाके FIR 20 तारीख को जिन्होंने मारकूट की थी एक मुस्लिम फकीर के साथ, तो उसको सिर्फ 151 लगा के छोड़ दिया गया था। कल जब प्रेशर डेवलप हुआ कांग्रेस के मुस्लिम कांग्रेसियों के खिलाफ, कुछ मुसलमान नेताओं के खिलाफ अजमेर के, तो उन पर फिर 24 तारीख को, कल 24 अगस्त को 11:50 पर प्रॉपरली FIR दर्ज की गई, वरना तो उनको 151 में छोड़ दिया गया था। अच्छा एक चीज़ और मैं अर्ज कर दूँ, वहाँ पर उससे कहा, मारा कूटा और कहा कि दरगाह की तरफ जा, दरगाह में मांग। जबकि दरगाह क्षेत्र में और दरगाह में जो भिखारी हैं वो 50% के करीब नॉन मुस्लिम से ज्यादातर हिंदूज हैं, कभी हम उनका धर्म नहीं पूछते हैं। हम सबको खाना देते हैं तो उनमें उनको भी देते हैं, जो जायरीन पैसा बांटते हैं उनको भी मिलता है, हम तो किसी का धर्म नहीं पूछते हैं। ये एक्चुअली में एक माइंड सेट हो गया। आप ये कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है, बीजेपी पुलिस पर बीजेपी का प्रेशर है, यहाँ तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 20 तारीख को 151 पे छोड़ दिया, फिर कल क्या हुआ, कल हमारी तरफ से खुदाम ख्वाजा सैयद जादगान की तरफ से ब्लड बैंक का एक कैंप लगा था, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ये बात मैंने उनके सामने रखी तो उसमें उसी बीच में एक पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि FIR लॉन्च कर ली गई है। और मैंने वो रामगंज थाना क्षेत्र में आती है अजमेर के, मैंने उनकी कल CI से भी बात करी, उन्होंने कहा कि ये घटना कुछ दिन पहले की, हमने कर लिया था 20 तारीख को, लेकिन वो बाद में पता चला सिर्फ 151 में दर्ज हुई थी। मैंने SP साहब के पास भी अजमेर के वॉइस मैसेज भेजा तो उनका भी एक PDF आया कि 24 तारीख 11:50 FIR दर्ज हुई उसमें। और आज एक लेटर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की तरफ से आया है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को, उसमें इन्होंने लिखा है कि NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के केस के अलावा से ये इस पर कार्रवाई हो, और जिन पुलिस वालों ने इसमें कार्रवाई करने में कोताही की है उस पर भी एक्शन हो, ये उन्होंने लिखा है। तो अब ये बात कांग्रेस बीजेपी की तो रही नहीं, ये तो पूरे देश का माहौल खराब हो गया है। अच्छा एक चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जब कोई टेररिस्ट अटैक होता था तो दो चीजें होती थी, एक तो फौरन ही मुसलमानों को बंद कर दिया जाता था, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे जो बार बार कपड़े बदलते थे, जिनको भगा दिया, जो बॉम्बे होटल ताज के इंसिडेंट में भी थे चौहान, उन्होंने आते ही क्या हुज्जी का काम है, बाद में पता चला वो तो हिंदू फंडामेंटलिस्ट निकले। होता है एक तो बेचारे मुसलमानों को बंद कर देते हैं, 20-20 साल कार्रवाई होती है, फिर प्रूफ के अभाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर उस वक्त हिंदू लोग एक सवाल करते थे, मुसलमान क्यों नहीं कंडेम कर रहा है, आज हम हिंदुओं से एक सवाल करते हैं कि वो रोड पर आके जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, जो आए दिन मुसलमान। अच्छा ये बुजदिल ऐसे हैं कि इक्के दुक्के बेचारे गरीब मुसलमान पे 15-15, 20-20 टूट जाते हैं। आपने कानपुर पे देखा वो बच्ची बेचारी बाप को पकड़े हुए कि अब्बा को कुछ मत कहो, मारो मत मेरे अब्बा को, और 20-25 बुजदिल मार रहा है। ये कोई आमने सामने तो जैसे 15-20 मुसलमान और 15-20 हिंदू ने करा, वो तो इनकी जरूरत होती नहीं है, बेचारे किसी गरीब कमजोर को मार दिया। अच्छा ये मोनी बाबा जो है मोदी जी, ये कुछ बोलता ही नहीं है आदमी। एक मोनी बाबा नरसिम्हा राव थे जिनके टाइम में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई,
तो ये तो एक माइंड सेट हो गया है। पहले पाकिस्तान के चाबुक से मार रहे थे, अब तालिबान के चाबुक से हमें मार रहा है। जबकि मोनी बाबा ने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को कंडेम ही नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया है, और इनके मोदी गोदी मीडिया भौं भौं कर रहा है। तो ये तो एक रोज का नॉर्म हो गया है। अब ये तो मुसलमानों के सोचने की बात है। देखे, देश का हर कानून, कुदरत का कानून अपने सेल्फ डिफेंस की इजाजत देता है कि अब हमें सेल्फ डिफेंस। अब देखे ना, वो इंदौर में एक मामला हुआ चूड़ी बेचने वाले का, बेचारे का, वो जो लोग गए थे मुसलमान उन पे दफाई लगा दी, चूड़ी वाले पे दफाई लगा दी, क्योंकि हजारों हिंदू जमा हो गए। तो भाई अगर पुलिस दबाहत में काम करती है तो फिर मुसलमानों को भी चाहिए कोई केस मुसलमान पे हो तो हजारों की तादाद से थाने पे पहुंच जाए। हजरत, मैं इस दौरान एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इंदौर का जिक्र आपने किया है, जैसे कि मुस्लिमों पर कार्रवाई हुई जो चूड़ी वाले के सपोर्ट में पुलिस वालों पर प्रेशर डालने के लिए उतरे कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीते दो दिन से जो है सोशल मीडिया पर इंदौर के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां हिंदू जागरण मंच के लोग दसियों हजार की तादाद में इकट्ठा होते हैं कि यहां पर चूड़ी के नाम पर जिहाद फैलाया जा रहा है। और अभी ही कुछ देर पहले एक वीडियो इंदौर से सामने आता है कि मस्जिद के सामने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर के अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रमुख किया जा रहा है। किस तरीके से ये देखा जाए, एक तरफ जहां 250 मुसलमान थे उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई और जहां 10,000 लोग हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंदौर में ये आखिरकार चल क्या रहा है? पूरे हिंदुस्तान में ही चल रहा है। इनको ये समझना चाहिए इस रीजन की जियो पोलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई है। आज सांप्रदायिक सौहार्द की हमसे ज्यादा हिंदुओं को जरूरत है, और सांप्रदायिक सौहार्द तो अच्छी चीज है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो गया है। मैं अटोपिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अब सांप्रदायिक सौहार्द कायम ही नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट और मेजोरिटी कम्युनिटी चाह ही नहीं रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो। ये 250 पे तो केस लगा दिया, क्योंकि वो 250 गए थे इसलिए लगा, वो 10,000 गए थे इसलिए नहीं गया। इसलिए आइंदा 50,000 मुसलमान थाने पे जाएं, फिर देखिए कैसे केस लगता है। यहाँ पर तो मॉब मेंटालिटी भारी होने लग गई है पुलिस और प्रशासन पर, ये एक माइंड सेट हो गया है। तो भाई मुसलमानों को देखिए, द लावा इज सिमरिंग अप, वन डे द वोल्केनो इज गोइंग टू इरप्ट, द वॉल्केनिक इरप्शन विल गोइंग टू टेक प्लेस। ये जो ज्वालामुखी एक दिन फटेगा और ये फटके रहेगा। और देखिए, ये देशभक्ति की बात है, गोरी मारो सालों को देश के गद्दारों को। अबे तुम तो आरएसएस के तलवे चाट रहे थे, समय ज्यादा देश के लिए मुसलमानों ने और सिखों ने खून बहाया है। तुम्हारे सावरकर जिसको वीर कहते, उन्होंने तो माफीनामे लिख के दिए और उसने टू नेशन थ्योरी को इन्वोक किया था। इल्जाम हम पर देते हो, हमारा तो इस मिट्टी से जीवन के बाद मरण तक का साथ है, इस मिट्टी में हम मिलके मिट्टी हो जाते हैं, डस्ट इनटू डस्ट, तुम्हारा तो कोई साथ ही नहीं है। फिर सब में बड़े तो स्टेक होल्डर्स हम तो 600 साल हाकिम रहे हैं, तुम तो सब्जेक्ट रहे हो। आज ये मकबरे, ये कब्रस्तान, ये हमारे पुरखों की नींव, ये सब हमारी तो देन है, भारत को एक किया, वरना तो टुकड़ों टुकड़ों में था जी। ये सब तो, और ये गोली मारो सालों को इस तरह के बाद, जब ये इनके लोग इस तरह के कहेंगे जो आज कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं शाहीनबाग के मामले में, या अमित शाह कहता है तड़ीपार कि ऐसा बटन न दबाओ कि वहां तक वो जाए करंट, इनको ये नहीं दिख रहे कि ये लोग देश बेच रहे हैं, पेट्रोल के भाव कहाँ छू रहे हैं, कह रहे हैं 500 लीटर पेट्रोल भी होगा तो ले लेंगे, ये छोटी छोटी कटोरियों में खाने वाले कि चार जने घर में होते हैं तो कोई पांचवा आ जाता है तो खाना घर में नहीं होता है। ये उनसे बात कर रहे हैं कि गरीब के घर में मुसलमान के चार जने तो 10 जनों का खाना बनता है, ये दिलवाली कौम से ऐसी बातें कर रहा है। इनसे बड़ा बुजदिल कौन होगा जो कि एक गरीब पर ये 20-25 टूटते हैं और फिर अपने आप को सूरमा कहते हैं। शर्म आना चाहिए, देश का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रहा है, बस एक जुडिशरी से उम्मीद है। अब देखें ना, उमर खालिद के मामले में क्या हुआ, एक टीवी की वीडियो क्लिपिंग पे, वो भी आधी अधूरी थी, ये रिपब्लिक टीवी, ये और जितने भी टीवी और सुदर्शन न्यूज तो खुल्लम खुल्ला एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम है। और ये हुकूमत जो है सिर्फ एंटी मुस्लिम ही नहीं, एंटी इस्लाम है। मोदी और योगी के तो औलाद है नहीं, ये दुश्मना की हिंदू और मुसलमानों के बीच में छोड़ के आ जा रहा है। असरत, इसी के साथ साथ मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा, एंटी मुस्लिम के नाम पर जिस तरीके से देश के मुसलमानों को सड़कों पर तो निशाना बनाया ही जा रहा है, पर मीडिया के जरिए कुछ दिनों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कल तक गो टू पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे, अब गो टू अफगानिस्तान का नारा लगा रहे हैं। तालिबान के बहाने जो है भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद दुमानी साहब को भी टारगेट किया गया, शफीकुल रहमान बर्क साहब को भी टारगेट किया गया। तो किस तरीके से देखते हैं मोदी और मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है गोदी मीडिया का,
तालिबान को लेकर के जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये अपना जनाजा खुद ही तैयार कर रहा है। ये देश दोस्त नहीं है, ये देश के सब में बड़े दुश्मन है। देश के दोस्त हमें कि इतना जुल्म होने पे हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इस मिट्टी के खातिर, अपने मादर वतन के खातिर। लेकिन जी चींटी को भी अगर दबाओगे तो वो काट खाती है, तो ये तो वो ईमान वाली कौम है। आपने देखा ना अफगानिस्तान में क्या हुआ, 79 से 21 तक USSR डिफीट हुई, अमेरिको नाटो फोर्सेस डिफीट हुई, सिर्फ ईमान की ताकत की वजह से। मुसलमानों में वो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे ईमान की ताकत कहते हैं, कलमे की बुनियाद कहते हैं। लेकिन हम बड़े सहनशील हैं, हम बड़े उदारवादी हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, किसी सभ्य समाज में ये कब तक चलता रहेगा? फिर हम ये बातें करते हैं तो हमें कट्टरवाद की बात कहते हैं। अच्छा, कुछ नाम नेहाद के सूफी निकले, नाम नेहाद के सज्जादे निकले जो बीजेपी के तलवे चाटते हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है मीडिया पर कि ये देखो सूफी हैं, ये देखो दरगाह से जुड़े सज्जादे हैं, ये सब बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, दलाल हैं, इस तरह के ये सूफीवाद को बदनाम कर रहे हैं। सूफीवाद का मतलब है अल खल्क अयालुल्लाह वासुदेव कुटुंबवे, हक के हिमायत में आवाज उठाना और बातिल के खिलाफ आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ उठाना। बानी तसव्वुफ, बानी सूफीज्म हजरत अली अलैहिस्सलाम है, बा इजाजत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो फातह खैबर भी हैं, फातह खंदक भी हैं, और करबला जिसकी मिसाल है, करबला जिसने वो शहीद उशहदा इमाम अली मकाम जिन्होंने यजीद के खिलाफ सदा बुलंद की थी, यजीद था हुसैन है। ऐ दिल बगैर दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, तमाम औलिया की, तमाम सूफियों की जान हुसैन है। और ये सूफीवाद का नारा दे के जालिमों के तलवे चाट रहे हैं, ऐसे सूफियों से भी बचो भाई। सूफी वो हमारी तरह जो हक की आवाज बुलंद करता है और जालिम हाकिम और हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, वही हुसैनी है, वही मौलाई है, वही पंजतनी है, वही असल सूफी और वही मुसलमान है।